सोलन शहर के ऊंचा गांव ब्लॉक क्षेत्र के प्याना कला में एक किसान पर बेसहारा गोवंश ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी। सूचना के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार किसान अपने खेतों पर फसल में कर रहे नुकसान गोवंशों को भगा रहा था, तो तभी बेसहारा गोवंशों ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे किसान को बहुत गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन के आला अधिकारी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को संज्ञान में लिया। आपको बता दें कि बेसहारा गोवंशों द्वारा हर रोज नई घटना देखने को मिल रही है, जबकि योगी सरकार का साफ तौर पर बेसहारा गोवंश को लेकर प्रशासन को खुलेआम अल्टीमेटम दे दिया गया है। कोई भी बेसहारा गोवंश बगैर गौशाला के घूमता हुआ नजर आया तो आला अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी, मगर योगी सरकार के आला अधिकारी शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों को भी बेसहारा गोवंश जमकर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसानों का जीवन बहुत ही घटते कर्म में जाता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? राहुल। जो मृतक है आप उनकी क्या लगते हो? वो हमारे पापा ही। किस कारण मृत्यु हुई? वो गेहूं को रखाने गए, बाजार लेकरने गए थे, तो उस कारण टक्कर मार के उनकी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी बीजाणों ने। हाँ। क्या नाम भैया आपका? दिनेश कुमार। क्या मामला हुआ था, किस कारण ये मृत्यु हुई? मामला ये है जी, गांव में आवारा पशु हर जगह घूमते ही हैं, यहाँ पे भी ये अपने खेतों पे गेहूँ रखा रहे थे, वहाँ पर अचानक आवारा पशुओं ने हमला बोल दिया उन पर और इनकी मौके पे ही मौत हो गई। आप मृतक के क्या लगते हो? पड़ोसी हम गांव के हैं। कोई अब तक उच्च अधिकारी या कोई मौके पर पहुंचा? आए जी, लेकिन यहाँ तहसील से आए थे, ब्लॉक से भी आए थे और जो थाने से हैं प्रशासन से वे भी आए थे, लेकिन और भी घटना हो चुकी है पहले, वो छोटी मोटी घटना हुई, घायल भी हो चुके हैं पहले लोग यहाँ। अब तक पहले जो घटना हुई थी उन पर भी प्रशासन ने कोई उचित कदम उठाया ना? उसकी कोई गांव वालों ने शिकायत नहीं की, इस कारण किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इसकी शिकायत भी है, अभी तक तो कोई एक्शन है नहीं सुबह से, क्योंकि कई घंटे हो गए इनकी डेथ को भी, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी अगर गौशाला यहाँ पर अमरगढ़ में यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, वो बोल देते हैं हमारे यहाँ क्षेत्र आपका जो गांव है हमारी गौशाला में नहीं लगता, वो पशुओं को वहीं नहीं लेते नहीं है, अगर जबरदस्ती कर भी दो दिन में ले लेंगे, रात को वो छोड़ देंगे, ऐसा करते हैं वो। हमारा गौवंशों को लेकर आपने अपने ग्राम प्रधान से भी शिकायत की उन्होंने भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जो गायें जो गौशाला से छोड़ी गई हैं उनके टॉकिंग लग रहे हैं कानों में पैरों में, वो भी गौशाला में से छोड़ी हुई गाय भी गांव में है, पशुओं फसलों में घूम रही हैं, बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हो रहा है और वो घायल कर रही हैं, मार रही हैं, पहले तो घायल कर दी थी लेकिन आज तो मौत ही कर दी, मार ही दिया। क्या प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पर। हम मौजूद हैं जिला बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में, जहां एक वृद्ध किसान की गायों द्वारा मृत्यु कर दी गई है। अब देखना यह है, आए दिन किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने कोई अब तक ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अब देखा जाए तो ये आए दिन किसानों का कहना है वह किसानों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने अब तक कहीं कोई भी पहल नहीं की है। वैसे देखा जाए तो योगी सरकार का साफ साफ तौर पर कहना है कि गायों व किसानों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो, जब किसानों के साथ कोई अत्याचार नहीं है तो शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा है। अब देखना यह है कि अब आए दिन किसानों के साथ मारपीट, फसलों द्वारा आवारा गौवंशों को लेकर फसलों में नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान आए दिन किसानों की हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही है, वह किसानों के साथ बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा ही एक मामला थाना खानपुर क्षेत्र के गांव प्याना कला में आया है, जहां एक किसान की आवारा गौवंशों ने मृत्यु कर दी गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज, जिला बुलंदशहर। सर, एक मामला आया है ऊंचा गांव ब्लॉक में, एक वृद्ध किसान को आवारा पशुओं ने मृतक मार दिया गया है।
ये एक ग्राम प्याना कला है, विकास खंड ऊंचा गांव और थाना खानपुर है। सूचना ये मिली 10:30 बजे लगभग कि वहाँ एक कृपाल नाम के कृषक है जिसको किसी बिजाड़ ने मार दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई औरंगाबाद PSC ले जाने समय। इस संबंध में BDO को तत्काल मौके पर जाने हुए कहा गया, तहसीलदार को भेजा गया, तहसीलदार मौके पर गए थे और वो वहाँ से स्थित जायजा लेके आए हैं और उसकी बॉडी की PM के लिए भेजी जा रही है। जो भी उसको सहायता अनुमन्य होगा वो दिया जाएगा। और आवारा पशुओं के संबंध में BDO को पूर्व में भी पत्र लिखा गया था, आज भी पत्र लिखा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.